अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शामिर किसी सूरत भी महरीन से शादी करने को तैयार नहीं होगा। जब उसका बाप उसे समझाएगा कि उसे अपनी पार्टी के लिए महरीन से शादी करना होगी क्योंकि वो उसके बाप से दुश्मनी मोल नहीं ले सकती और वैसे भी महरीन उसकी क्लास फेलो है, बचपन की दोस्त है, तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो शामिर कहेगा कि उनकी पार्टी के लिए वो अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता, अगर वो पार्टी में है तो सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसने अपनी माँ से किया था कि वो किसी सूरत भी पार्टी को खत्म नहीं होने देगा। आप फिक्र ना करें, पार्टी को कुछ नहीं होगा। अगर महरीन का बाप हमारे साथ है तो सिर्फ अपने मकसद के लिए, सिस्टम में रहने के लिए उन्हें हमारी जरूरत होती है क्योंकि वो सिर्फ नोट हैं और हम वोट हैं। इसलिए आप इस चीज से परेशान ना हो कि अगर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा तो वो हमसे सारे ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। शमीर अपने बाप से कहेगा कि बाबा आपने ही कहा था कि अपनी मलकात का इंतहाब सोच समय कर करना, तो बस आप ये समझ लें कि मैंने अपनी मलकात का इंतहाब कर लिया है। तो ये सुनकर उसका बाप हैरान रह जाता है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि फजल बख्श और शिवरात की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। शामिर जिस मकसद के लिए फजल बख्श बना था उसका मकसद पूरा हो गया है। शिवरात के दिल में अब फजल बख्श के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। वो हर वक्त फजल बख्श के ख्यालों में गुम रहती है और उसको ये लगता है कि आज के दौर में फजल बख्श जैसे इंसान ढूंढने से नहीं मिलता क्योंकि फजल बख्श दिल का बहुत सच्चा और बहुत सादा इंसान है। अब फजल बख्श को ये लगेगा कि उसे शिवरात को प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि उसको लगता है कि अब फैसला उसी के हक में आएगा, इसलिए वो शिवरात को प्रपोज कर देगा।